ओम शांति, ओम शांति। सवेरे सवेरे क्या गीत गाया? गीत क्या सुना? भगवान हमारा साथी है, याद में ये याद करते हो? हाँ, याद में ऐसा याद करते हो, ओम शांति तो मैं आत्मा शांत स्वरूप। और फिर शांति के सागर बाप की संतान, फिर बाप के महिमा में कुछ याद करते हो? देखो आज बाबा ने हमारा कैसा अटेंशन खिंचवाया है, क्या क्या याद में होना चाहिए, दिन प्रतिदिन क्या क्या नई नई बातें। नई तो क्या कहें, नई माना उसके विस्तार जो है, जिस विस्तार में क्या क्या खूबियां भरी हुई है, उसको अगर हम ध्यान दें तो देखो बाबा की रोज की मुरली हर बात नहीं लगे। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे मुरली मिस नहीं करनी चाहिए। तो आज की मुरली वैसे तो ध्यान से ही सुनते होंगे, हम क्यों कहें नहीं सुनते हो, परंतु बाबा ने क्या क्या बोला है उसको भी आज जरा ध्यान से सुनना। तो आज बाप दादा बोले, पहली पहली बात यही, मीठे बच्चे तुम्हारी याद बहुत वंडरफुल है। क्या वंडर है हमारी याद में? तुम्हारी याद बड़ी वंडरफुल है। क्या क्या वंडर है, क्यों वंडरफुल है? तुम एक के साथ बाप टीचर और सतगुरु तीनों को याद करते हो। अभी हर एक अपने से पूछे बरोबर आपको तीनों याद आते हैं? बस बाप को याद किया तो सब कुछ आ गया। ऐसा ही माना बाबा भी कहते हैं, अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। वर्षा और बाप दोनों कथे। तो देखो बाबा ने हमको कैसे, इसलिए बाबा कहते हैं रोज नई नई बात। और किस प्रकार से उसको समझना? बाबा कहे मीठे बच्चे तुम्हारी याद बहुत वंडरफुल है, क्यों? तुम एक साथ ही बाप टीचर और सतगुरु तीनों को याद करते हो। और मुझे जहाँ तक याद है दो या तीन दिन पहले बाबा ने विशेष रूप से कहा था, याद में बैठते हो तो तीनों को याद करो। है याद किसको? होंगे यहाँ रोज के सुनने वाले तो है ही। अच्छा प्रश्न है, प्रश्न इस बात से अलग है, परंतु आगे मुरली में इसका विस्तार बहुत बहुत अच्छा है, जो हम बच्चों को ध्यान देना जरूरी है। प्रश्न है, किसी भी बच्चे को जब माया मगरूर बनाती है, मगरूर समझते हो? हाँ, अपना हम भी कुछ है। किसी भी बच्चे को जब माया मगरूर बनाती है तो किस बात की डोंट केयर करते हैं? ये तो जवाब अपने पास निकालो। किस बात की डोंट केयर करते हैं? बाबा ने जवाब में बताया है, मगरूर बच्चे बेअभिमान में आकर मुरली को डोंट केयर करते हैं। कहावत है ना, चूहे को मिली हल्दी की गांठ, समझा मैं भी पसारी हूँ, बनिया हूँ मैं भी।
बहुत है, बाबा कहते हैं बहुत है, जो मुरली पढ़ते ही नहीं है, कह देते हैं हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। बाबा कहते बच्चे मुरली में तो नई नई बातें निकलती हैं, इसलिए मुरली कभी भी मिस नहीं करना, इस पर बहुत बहुत अटेंशन रहे, मुरली सुनने पर बहुत बहुत अटेंशन रहे। फिर से ओम शांति। बाप दादा बोले मीठे मीठे सिकीलरे बच्चों से रूहानी बाप पूछते हैं, हर एक पूछे अपने आप से, यहाँ तुम बैठे हो किसकी याद में बैठे हो? कोई ने जवाब दिया है बाप शिक्षक सतगुरु के, सभी इन तीनों के याद में बैठे हैं। बाबा पूछ रहे हैं हर एक अपने आप से पूछे, हर एक अपने से पूछे, ये सिर्फ यहाँ बैठे याद है या चलते फिरते भी याद रहती है? क्योंकि ये है वंडरफुल बात। कौन सी वंडरफुल बात है? और कोई आत्मा को कभी ऐसे, कोई भी आत्मा को कभी ऐसे नहीं कहा जाता। क्या नहीं कहा जाता? बाप, टीचर, सतगुरु, तीनों टाइटल किसको भी नहीं दिए जाते। भले ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक हैं, परंतु उनकी आत्मा को भी कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि ये बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। बल्कि सारी दुनिया में जो भी जीवात्माएं हैं, कोई भी आत्मा को कोई ऐसे नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं तुम बच्चे ही ऐसे याद करते हो, अंदर में आता है ये बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है, और सो भी सुप्रीम, सबसे ऊंचे। बाबा प्रश्न पूछते हैं तीनों को याद करते हो या एक को? मना वो स्मृति से वो याद आवे, ऐसे ही हम समझते हैं वो तो अलग बात है। बल है वो एक, परंतु तीनों गुणों से याद करते हो कि शिव बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। ये याद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कही जाती है। जब बैठे हो अथवा चलते फिरते हो तो यह याद रहना चाहिए। आज सारा दिन अभ्यास करना। बाबा पूछते हैं ऐसे याद करते हो, ये हमारा बाप, टीचर, सतगुरु भी है। देखो बाबा ने भी कितना बार रिपीट किया है। ऐसा कोई भी देहधारी हो नहीं सकता। देहधारी नंबर वन है कौन? सारे ड्रामा के अंदर नंबर वन देहधारी कौन? श्री कृष्ण। तो बाबा कहते हैं देहधारी नंबर वन तो है श्री कृष्ण। उनको बाप, टीचर, सतगुरु नहीं कह सकते। उस समय तो ये बात ही नहीं है। ये बिल्कुल वंडरफुल बात है। तो बाबा कहते हैं तो बच्चे सच बताना चाहिए, तीनों रूप में याद करते हो, पूछ रहे हो ना, अपने को बोल रहे हो ना, और हंसी आती है ना अपने को, अपने पर कभी कभी वैसे तो याद करते, पर योग में ये बात याद आ गई।
ऐसा कोई भी देहधारी हो नहीं सकता। ये बिल्कुल वंडरफुल बात है, तो सच बताना चाहिए। तीनों रूप में याद करते हो फिर भी बाबा पूछ रहे हैं। भोजन पर बैठते हो अभी, भोजन पर करते हैं कोई तीनों रूपों को याद? देखो बाबा कैसे हमारा अटेंशन खिंचवाते हैं। जब भोजन पर बैठते हो तो सिर्फ शिव बाबा को ही याद करते हो या तीनों बुद्धि में आती है? और तो कोई भी आत्मा को ऐसे नहीं कह सकते, तो ये है बड़ी वंडरफुल बात। विचित्र महिमा है ना, बापी बैठकर अपना परिचय देते हैं, फिर देखो साथ साथ सारे चक्कर की भी नॉलेज देते हैं कि ऐसे ये चार युग है, इतने इतने वर्ष के हैं जो सदा फिरते ही रहते हैं। ये ज्ञान भी वही रचता बापी देते हैं, तो उनको याद करने में, इस रीति याद करने में बहुत मदद मिलेंगी। आज हम सुनते हैं, आज ही अभ्यास करें, देखो कितना उसमें खुशी भी होंगी और अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। बाप टीचर गुरु एक ही है, इतनी ऊंच आत्मा और कोई हो नहीं सकती। परंतु आ गया परंतु, ऐसी माया है जो ऐसे बाप की याद भी भुला देती है। तो टीचर और गुरु को भी, बाप की भी याद भुला देती है तो टीचर और गुरु को भी भूल जाते हैं। अब ये हरे को अपने आप अपने अपने दिल से पूछना चाहिए, बाबा हमको ऐसा विश्व का मालिक बनाएंगे, बेहद के बाप का वर्षा जरूर बेहद का बापी तो देंगे, साथ साथ यह महिमा भी बुद्धि में आई। चलते फिरते तीनों ही याद आवे, इस एक आत्मा को ही तीनों सर्विस इकट्ठी है। बाबा ने अभी आत्मा शब्द दे दिया, इस एक आत्मा को ही तीनों सर्विस इकट्ठी है, इसलिए ही उनको सुप्रीम कहा जाता है। अभी सेवा की बात, अब कॉन्फ्रेंस आज बुलाते हैं, कहते हैं विश्व में शांति कैसे हो? वो तो अब हो रही है, कैसे हो वो तो अभी हो रही है, हमें पता है, बाप अभी वही कार्य करा रहे हैं। तो उन लोगों को ये कहो, आओ आकर के समझो कौन कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को बाप का ऑक्यूपेशन सिद्ध कर बताना है, बाप की ऑक्यूपेशन और कृष्ण के ऑक्यूपेशन में तो बहुत बड़ा अंतर है। और तो सबका नाम शरीर का ही लिया जाता है, सिर्फ उनकी ही आत्मा का नाम गाया जाता है, उनकी माना बाप की। वह आत्मा बाप भी है, परमात्मा बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। परम माना ऊंचे से ऊंचा, क्या ऊंचाई, उसमें ये बात भी एक है, बाप भी है टीचर भी है सतगुरु भी है। आत्मा में नॉलेज है, परंतु वो देवे कैसे? शरीर द्वारा ही तो देंगे ना, जब देते हैं तब तो उनकी महिमा गाई जाती है। अब देखो शिव जयंती पर बच्चे कॉन्फ्रेंस करते हैं, अभी त्योहार भी वही आने वाला है ना, शिव जयंती 18 जनवरी के बाद फरवरी में शिव जयंती का, शिव जयंती फरवरी में है ना मृत्युंजय भाई? तो बाबा कहते हैं अब
बाबा कहते हैं देखो अब शिव जयंती पर बच्चे कॉन्फ्रेंस करते हैं, सब धर्म के नेताओं को बुलाते हैं, तुमको समझाना है ईश्वर सर्वव्यापी तो है नहीं। अगर सब में ईश्वर है तो क्या हर एक आत्मा भगवान बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है? बताओ सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है? ये तो कोई भी सुना नहीं सकते। अच्छा फिर से बाबा हम बच्चों को कहते हैं तुम बच्चों के अंदर में आना चाहिए बार बार, देखो कितना पक्का कर रहे हैं, ऊंच पे ऊंच बाप की कितनी महिमा है, वो सारे विश्व को पावन बनाने वाला है, प्रकृति भी पावन बन जाती है। तो कॉन्फ्रेंस में पहले पहले तो तुम यह पूछेंगे कि बताओ गीता का भगवान कौन है, सत्ययुगी देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाला कौन। अगर कृष्ण के लिए कहेंगे तो बाप को तो गुम कर दिया, या तो फिर कह देंगे नाम रूप से न्यारा है, जैसे कि वो है ही नहीं। तो बाप के बिगैर देखो सब ऑर्फन्स ठहरे ना, बेहद के बाप को ही जानते नहीं, एक दो पर काम कटारी चला करके कितना तंग करते हैं, एक दो को दुख देते हैं। तो ये सब बातें तुम्हारे बुद्धि में चलनी चाहिए, कंट्रास्ट करना है कि ये लक्ष्मी नारायण भगवती भगवान है, इन्हों की भी वंशावली है ना, तो जरूर सब ऐसे गॉड गॉडेसेस होने चाहिए। बाबा कहते हैं तुम बच्चे सभी धर्म वालों को बुलाते हो, जो अच्छी रीत पढ़े लिखे हैं, बाप का परिचय दे सके उनको ही बुलाना है। तुम लिख भी सकते हो बोलने के लिए उन्हों को ही, जो समझाने वालों में से तुम ये लिख भी सकते हो कि आकर के रचकता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझो। जो ऐसा रचता और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय दे सकते हैं, उनके लिए हम आने जाने रहने आता सब प्रबंध करेंगे। कैसे कैसे निमंत्रण दो वो भी बाबा बता रहे हैं। अगर रचता और रचना का परिचय दिया तो ये सब हम खर्चा देंगे, ये तो जानते हैं। कोई भी ये ज्ञान तो दे नहीं सकते, भल कोई विदेश से भी आवे, रचना और रचना की आदि मध्य अंत का परिचय दिया, फिर बाबा रिपीट करते हैं, अगर उसका परिचय दिया तो हम खर्चा दे देंगे। ऐसी एडवर्टाइज और कोई कर नहीं सकते। तुम बच्चे तो बहादुर हो ना, महावीर महावीर निया हो, तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण ने विश्व की बाध्याई कैसे ली, कौन सी बहादुरी की, बुद्धि में ये सब बातें तुम्हारे आनी चाहिए। कितना तुम ऊंच कार्य कर रहे हो, सुन रहे हो हाँ, बाबा बच्चों की कितनी महिमा कर रहे हैं, कितना तुम ऊंच कार्य कर रहे हो, सारे विश्व को पावन बना रहे हो। तो बाप को याद करना है, वर्षा भी याद करना है, सिर्फ ये नहीं कि शिव बाबा याद है, परंतु उनकी महिमा भी बतानी है। ये महिमा है ही निराकार की, परंतु निराकार भी अपना परिचय कैसे दे सके। जरूर
रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज देने के लिए मुख तो चाहिए। मुख की कितनी महिमा है देखो, मनुष्य गौ मुख पर जाते हैं, कितने धक्के खाते जाते हैं, क्या क्या बातें देखो बैठ के बना दी है। पीर माड़ा गंगा निकल आई और फिर कहते हैं गंगा को समझते हैं पतित पावनी है। अब पानी से कैसे पतित पावन हो सकते? पतित पावन तो एक बाप ही है। तो बाप, अभी तुम बच्चों को देखो कितना सिखलाते रहते हैं। बाप तो कहते हैं बच्चे ऐसे ऐसे करो, कौन आकर के बाप, फिर से बाबा रिपीट करते हैं, कौन आकर के रचता और रचना का परिचय देंगे। जैसे पहले बताया ना, लिखो, जो आके देंगे उसको खर्चा देंगे। साधु संत आज ये भी जानते हैं कि ऋषि मुनि आज सब कहते हैं नेति नेति हम नहीं जानते। नहीं जानते तो कौन हुए? जानने वाले को आज तक कहा जाता है, तो न जानने वाले कौन बन गए? अब देखो कोई आज तक ऐसा निकलता है जो लिखे हाँ हम परिचय देने के लिए आ रहे हैं। अभी बाबा कहते तुम बच्चे नास्तक से आज तक बन रहे हो, तुम बेहद के बाप को जानते हो जो तुमको इतना ऊंच बनाते हैं। पुकारते भी तो सबको उसको, सभी उसको हैं, ओ गॉड फादर लिबरेट मी, मुझे लिबरेट करो। बाप समझाते हैं इस समय तो रावण का सारी विश्व पर राज है, सब भ्रष्टाचारी है, फिर शिष्टाचारी भी तो जरूर होंगे ना, सदा थोड़े भ्रष्टाचारी रहेंगे। तुम बच्चों को ये सब बातें बुद्धि में है, तुम जानते हो पहले पहले पवित्र दुनिया थी। बाप पहले दुनिया रचे, सृष्टि रचते हैं तो पहले अपवित्र दुनिया थोड़ी बनाएंगे। बाप तो आकर के पावन दुनिया स्थापन करते हैं जिसको शिवालय कहा जाता है। शिव बाबा जरूर शिवालय ही तो बनाएंगे ना। वो कैसे बनाते हैं सो भी अभी तुम बच्चे जानते हो। बाकी महाप्रलय व सारी जल मैयाद ये तो होता नहीं है, परंतु शास्त्रों में तो देखो क्या क्या लिख दिया है। बातें बाप, ये सब बातें बाप बैठ करके तुम बच्चों को समझाती हैं। अभी तुम बच्चे बाबा कहते ये भी जानते हो वो हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। सत्युग में तो ये मंदिर आज होते नहीं, ये देवताएं हो करके गए हैं जिनके यादगार मंदिर अब यहाँ है। अब ये भी सब ड्रामा में नोंद है, सेकंड बाय सेकंड नई बात होती रहती है। देखो मुरली में कभी कभी नई बात, भले ये रोज सुनते हैं पर आज बाबा ने कितना विस्तार से और किसी ढंग से समझाया है, अगर ध्यान दिया होगा तो समझ में आएगा। बाबा कहता है अब बाप बच्चों को डायरेक्शन तो बहुत अच्छे अच्छे देते हैं, बहुत देह अवमानी बच्चे हैं जो फिर ऐसे समझते हैं हम तो सब कुछ अभी जान गए हैं इसलिए मुरली भी नहीं पढ़ते हैं, कदरी नहीं है। बाबा ताकीद करते हैं
कोई कोई समय बचे, मूली बहुत अच्छी चलती है, मिस नहीं करनी चाहिए। कि 10-15 दिन की मूली जो मिस करते हैं वो बैठ पानी चाहिए, ये भी बाप कहते हैं। ऐसी ऐसी अभी फिर क्या समझाओ, ये भी बाप कहते हैं, बच्चे ऐसी ऐसी चैलेंज दो। यह रचता और रचना के आदि मध्य अंत की ना ले, कोई आकर के दे तो हम उनको खर्चा आज सब देंगे। ऐसी चैलेंज तो जरूर है, जो जानते हैं वो ही दे सकेंगे। टीचर खुद जानता है तब तो पूछता है ना, बिगर जाने पूछेंगे कैसे। मामा फिर से अटेंशन खिंचवाती है। कोई कोई बच्चे मुरली को भी डोंट केयर करते हैं, बस हमारा तो शिव बाबा से ही कनेक्शन है। परंतु शिव बाबा जो सुनाते हैं वो भी तो सुनना चाहिए ना, या सिर्फ उनको याद करना है। देखो बाप कितनी कैसे अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं, परंतु माया बिल्कुल ही मगरूर कर देती है, देह अभिमानी बना देती है। कहावत है ना, सुनी ना कहावत पहले भी, चूहे को हल्दी की गांठ मिली, समझा मैं भी बनिया हूँ। बहुत है जो मुरली पढ़ते ही नहीं, मुरली में तो नई नई बातें निकलती हैं, तो ये सब बातें बड़ी समझने की हैं। जब बाप के याद में बैठते हो तो भी याद करना है कि वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। नहीं तो भला पढ़ेंगे कहाँ से, चलो बाप है फिर ये इतनी सारी नॉलेज कौन पढ़ाएगा, तो पढ़ाने वाले को टीचर कहा जाता है। बाप ने तो बच्चों को सब बातें समझा दी हैं, बच्चे ही तो बाप का शो करेंगे। गाया जाता है सन शोज फादर, और सन का फिर फादर शो करते हैं, आत्मा का शो करते हैं ना, फिर बच्चों का काम है शो करना। फिर बाप थोड़े छोड़ेंगे, कहेंगे बच्चों का काम है शो करना, फिर बाप भी बच्चों को थोड़े छोड़ेंगे, बाप भी डायरेक्शन देते रहेंगे, बच्चे आज फलानी जगह जाओ, आज यहाँ जाओ, आज यहाँ जाओ। इनको थोड़े ही कोई ऑर्डर कर, बाप को थोड़े ही कोई ऑर्डर करने वाला होगा। तो ऐसा निमंत्रण आज अखबारों में पड़ेगा, तो देखो इस समय तो सारी दुनिया है नाश्ता, बाप भी आकर आज तक बनाते हैं। इस समय तो सारी दुनिया वर्ड नाटक प्रेमी है, भल अमेरिका के पास कितना भी धन दौलत है, परंतु वो भी ऐसी बात के आगे, सत्य के आगे क्या बोलेंगे, विश्व महाराजन के आगे वो भी तो ऐसे ही कहा जाएगा। ये तो सब खत्म हो जाना है, सारी दुनिया में तुम अभी वर्थ पाउंड बन रही हो, सत्युग में तो कोई कंगाल आद रहेगा ही नहीं। बाबा फिर हमें विनम्र रीति से याद दिलाते हैं, तुम बच्चों को सदैव ज्ञान का स्मरण कर हर्षित रहना चाहिए, उसके लिए तो ये गायन है। अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो,
ये सब इस संगम के समय की ही तो बात है। संगम युग को कोई भी जानते नहीं। ये व्यंग मार्ग की सर्विस करने के लिए शायद ये सारी मेहमान निकली है। अति इंद्रिय से पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो, ये व्यंग मार्ग की सर्विस करने के लिए ही करने से ही शायद ये मेहमान निकली है। गायन भी तो है, कौन सा गायन है? अहो प्रभु तेरी लीला परम अपार है। ये कोई भी नहीं जानता है कि भगवान बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। अब फादर तो बच्चों को सिखलाते रहते हैं, तो बच्चों को बाबा कहते हैं, अब बच्चों को ये नशा स्थाई रहना चाहिए, अंत तक नशा रहना चाहिए। अब तो झट नशा सोडा वाटर हो जाता है, सोडा भी ऐसे होती है ना। खोलेंगे थोड़ा टाइम रखने से जैसे उसका जो तेज है वो जैसे खत्म हो जाता है, तो जैसे खारा पानी हो जाता है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। किसको भी ऐसे समझाओ जो वो भी सुन कर के वंडर खावे। बल अच्छा अच्छा कहते भी है, परंतु वे फिर टाइम निकाल कर आके समझे, जीवन बनाए, वो बड़ा मुश्किल है। बाबा कोई धंधा आद करने से मना नहीं करते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे बल धंधा आद सब करो, पवित्र बनो, जो मैं पढ़ाता हूँ वो तुम याद रखो। ये तो टीचर है ना, ये बाप तो टीचर है ना, और ये पढ़ाई भी है अनकॉमन। इसलिए बाप फिर इस बात पर ध्यान खिंचवाते हैं, क्योंकि ये पढ़ाई, बाबा कहते मनुष्य कोई पढ़ा ही नहीं सकते, बाप ही इस भाग्यशाली रथ पर आकर के तुमको पढ़ाते हैं। बाप ने समझाया है, ये तुम्हारा तखत है जिस पर अकाल मूरत आत्मा आकर बैठती है, उनको ये सारा पाठ मिला हुआ है। समझ रहे हो ना? हाँ शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा कहा, गुप्त शब्दों में परिचय बता रहे हैं। बाबा कहते हैं, अभी तुम बच्चे समझते हो, बरोबर, ये तो रियल बात है, बाकी तो सब है आर्टिफिशियल बातें। ये बातें, ये बात अच्छी रीत धारण कर अपने पास गांठ बांध लो। बाबा बताते हैं ना, बूढ़ी माताओं को कोई बात याद रखनी होती थी आगे जमाने में, तो वो गांठ बांध लेती थी, क्योंकि उस समय चादर या चुन्नी पहनते थे ना। तो बाबा कहते हैं कि ये अच्छी तरह से धारण कर गांठ बांध लो, तो गांठ को हाथ लगाने से याद आएगा। गांठ क्यों बांधते हैं? वो भी भूल जाते हैं। तुमको तो ये पक्का याद करना है। बाप के याद के साथ नॉलेज भी चाहिए। फिर बाबा नॉलेज पर भी ध्यान खिंचवा रहे हैं। मुक्ति भी है तो जीवन मुक्ति भी है। बाबा कहते हैं, बहुत मीठे मीठे बच्चे बनो। बाबा अंदर में तो ये समझते हैं, कल्प कल्प यही बच्चे तो पढ़ते रहते हैं।
नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार ही तो वर्षा लेंगे, फिर भी पढ़ाने का टीचर पुरुषार्थ तो कराएंगे ना। फिर बाबा कहते हैं तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो, इसलिए बाप को फिर याद कराना पड़ता है। शिव बाबा को याद करो, वो बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। विनती किया कितना बार आया है ये सत्युग का फ्रेंड्स श्री कृष्ण, वो फिर गुरु कैसे बनेगा? गुरु चाहिए दुर्गति में। गायन भी है, बाप आकर सबकी सदगति करते हैं। कृष्ण को तो देखो ऐसा सावरा बना देते हैं जैसे काला काला भी चित्र दिखाते हैं ना, सावरा इतना गहरा करते हैं। बाप कहते हैं बच्चे इस समय तो सब काम चिता पर चढ़कर काले कोयले समान बन गए हैं, तब सांवरा कहा जाता है। देखो कितनी गुह्य बातें हैं समझने की। गीता तो सब पढ़ते हैं, भारतवासी ही है जो इतने सभी शास्त्रों को मानते हैं। सबके चित्र रखते रहेंगे, सभी देवताओं के सब गुरुओं के चित्र रखते रहेंगे, अब उनको क्या कहेंगे? अगर सभी का रखते हैं तो उनको क्या कहेंगे? तो ये भक्ति भक्ति पहले पहले अव्यभिचारी भक्ति थी, एक ही शिव की भक्ति करते थे। ज्ञान भी तो एक शिव बाबा से ही मिलता है, ये ज्ञान ही डिफरेंट है, ऐसा ज्ञान कभी किसने दिया ही नहीं है। इनको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज, जो नॉलेज सिवाय स्पिरिचुअल बाप सुप्रीम बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता है, जिस कारण वो एक सुप्रीम बाप ही है, जो हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। इसलिए बाबा ने आज हमारा ध्यान तीनों की ही याद रहे, तीनों की याद रहने से बाप याद रहेगा तो वर्षा याद आएगा, टीचर याद आएगा तो पूरी नॉलेज, सारे ड्रामा चक्कर की नॉलेज, जिससे हम अपनी अवस्था को स्थिर बना सके। और सतगुरु याद है तो मुक्ति और जीवन मुक्ति याद रहेंगी। अच्छा अच्छा मीठे मीठे शिकिल दे बच्चों प्रेत, मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों रूहानी बाप को नमस्ते। फिर कभी कभी कहते हैं ना शुक्रिया बाबा शुक्रिया। बाबा ने कितनी बार बार बातें समझा दी हैं, अब फिर से क्या सुनेंगे? वही बातें, अब तो पक्की पक्की याद पर गई, हाँ? याद पर गई, उसका एग्जाम्पल अपने में देखना, सारा दिन बुद्धि में ये घूमता रहे, अर्थात बीच बीच में विधि पूर्वक याद करते रहे। अब सारी मुरली का फिर से धारणा युक्त सार, विनाशी नशे को छोड़, अब नाशी नशा रहे कि हम अभी वर्थ नाटक पेनी से वर्थ पाउंड बन रहे हैं,
स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं और ये पढ़ाई हमारी अनकॉमन है, कॉमन नहीं अर्थात कोई भी पढ़ा नहीं सकते। दूसरी पॉइंट, आस्तक बनकर बाप को शो करने वाले, आस्तक बनकर बाप को शो करने वाली सर्विस करनी है। याद आई कौन सी बात बताई ऐसी? नहीं, कैसे सर्विस करो मिसेज भाई? देखो कैसे बाबा, लिखो जो परिचय दे सकते हैं सृष्टि के, रचना के, आदि मध्य अंत का, रचता और रचना के, वो आवे तो उसको हम सब खर्चा देंगे, आना जाना रहना करना सब प्रबंध देंगे। आज तक बनकर बाप का शो करने वाली सर्विस करनी है, कभी भी मगरूर बन अर्थात दे अभिमानी बन करके मुरली मिस नहीं करनी है। तो जो अटेंशन देने की बातें सार रूप में लिखी हुई है, तो आज के दिन बाप टीचर सतगुरु बाप के साथ, रचता के साथ, रचना की नाले, ऐसे हम स्मृति बन करके अपने को याद दिलाते रहेंगे। आज का वरदान, हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते, हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते सबको दान देने वाले महादानी वरदानी भव। सारे दिन में जो भी संबंध संपर्क में आवे उसको कोई न कोई शक्ति का, ज्ञान का, गुण का दान दो, कुछ भी उसको दान दो, शक्ति गुण या ज्ञान का दान दो। आपके पास ज्ञान का खजाना तो बहुत है, शक्तियों और गुणों का भी खजाना है। कोई भी दिन बिना दान दिए खाली न जाए, तब कहेंगे महादानी। तो ये भी हम सब अपने को चेक करेंगे, सारे दिन में हम कैसे कैसे ये बाप की सेवा कितनी करते हैं, बाप के दिए हुए खजानों से कितनी सेवा करते हैं। दान शब्द का रूहानी अर्थ है, दान शब्द का रूहानी अर्थ है सहयोग देना। तो अपनी श्रेष्ठ स्थिति के वायुमंडल द्वारा, अपनी श्रेष्ठ स्थिति के वायुमंडल द्वारा और अपनी वृत्ति के वाइब्रेशंस द्वारा हर आत्मा को सहयोग दो, तब कहेंगे वरदानी। आज का स्लोगन भाई बहने जरा मुरली पूरी सुनने सुनते रहो और कुछ जरूरी डायरेक्शन पीछे सुन करके फिर उठो। जल्दी जल्दी छिप छिप के पीछे उठने की कोशिश नहीं करो। अच्छा सुनो, अभी बाबा हम बच्चों का कितना ध्यान खिंचवाते हैं, रूहानी अर्थ सहयोग देना, अपनी श्रेष्ठ स्थिति के वायुमंडल द्वारा, अपनी वृत्ति के वाइब्रेशन द्वारा हर आत्मा को सहयोग दो, तब कहेंगे वरदानी। आज का स्लोगन
जो बाप दादा परिवार के समीप है उनके चेहरे पर संतुष्टता, रूहानियत और प्रसन्नता की मुस्कुराहट रहती है। ये निशानी बाप दादा और परिवार के समीप जो है उनके चेहरे पर संतुष्टता, रूहानियत और प्रसन्नता की मुस्कुराहट रहती है। ओम शांति शांति शांति। जरूरी डायरेक्शन सुनो, सूचना। ओम शांति। जैसा कि आप सभी को कल बताया था, विनोद बेन मेरठ की, उन्होंने अपना पुराना शरीर छोड़ा है। आज विशेष उनके संस्कार के निमित्त मेरठ, मोदी नगर और दिल्ली से करीब 100 के भाई बहन 2 बजे पहुंच रहे हैं। उनका संस्कार 3:30 बजे होगा। 2 बजे उनके शरीर को पांडव भवन ले जाया जाएगा। चारों धामों की यात्रा कराते 3:30 बजे उनका संस्कार होगा। और दूसरा, कल दिल्ली से बाई रोड एक कार में 3-4 भाई आ रहे थे। दिल्ली शक्ति नगर के हेमंत भाई, जो 15 वर्ष से सेवा केंद्र पर ही रहते थे, दोपहर को 12 बजे किशनगढ़ के पास एक्सीडेंट हुआ और हेमंत भाई ने वहां ही शरीर छोड़ दिया। बाकी दोनों तीनों भाइयों को इंजरीज हुई, जिनको फिर हॉस्पिटल में यहां से ही एम्बुलेंस गई लेकर के आई, उनको एडमिट किया। तो उनके भी लौकिक संबंधी सभी पहुंच रहे हैं। उनका संस्कार भी 4:30 बजे पांडव भवन में ही उनके शरीर को लाया जाएगा और वहां ही संस्कार होगा। जो भी समर्पित भाई बहन जाना चाहे वे वहां जा सकते हैं। तो उन दोनों के लिए हम सभी 3 मिनट शांति का योगदान देंगे। और एक और आवश्यक सूचना, राजस्थान और पंजाब की टीचर्स बहनें ध्यान से सुने।